नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाई सीज सेल को जीएसटी R1 में कहां दिखाना होता है। जी हां दोस्तों, जीरो रेटेड सप्लाई में दिखाओगे, नील रेटेड सप्लाई में दिखाओगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई, इसमें से किस कैटेगरी में हाई सीज सेल जाएगा। और दोस्तों, इस चीज को लेकर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है और वो हाई सी सेल को जीएसटी R1 में गलत कैटेगरी में दिखा देते हैं, और इसी चीज को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि हाई सी सेल क्या होता है। अगर आप डिटेल में हाई सी सेल को समझना चाहते हो तो मैंने हाई सी सेल पर पहले से ही पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर हाई सी सेल को पूरा डिटेल में समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूं कि हाई सी सेल का क्या मतलब होता है। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हो, किसी दूसरी कंट्री से मंगवाते हो, और आपका गुड्स उस कंट्री से निकल चुका है, वेसल में लोड हो गया और वह समुद्र के रास्ते आपकी कंट्री में आ रहा है, यानी कि इंडिया आ रहा है, और वह गुड्स आपका आपके डिस्टिनेशन पे यानी कि जिस पोर्ट पर आना है उस पोर्ट पर नहीं पहुंचा है, मतलब कि वह गुड्स आपका रास्ते में ही है, और इंडिया पहुंचने से पहले ही आप उस गुड्स को सेल कर देते हो, किसी भी पर्सन को सेल कर देते हो, और जो यहां सेल होगी यही सेल आपकी हाई सी सेल कही जाती है। मतलब आपका गुड्स, आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है वह आपके पोर्ट पर नहीं पहुंचा है, और आप उस गुड्स को रास्ते में ही, यानी कि वह गुड्स आपका समुद्र के रास्ते में है, आप रास्ते में किसी को सेल कर देते हो, तो यह क्या कहलाएगी? हाई सी सेल। और इस सेल पर आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। आपने जिस पर्सन को सेल किया है आप उसको जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि जिसको आपने सेल कर दिया है अब उसके नाम का कस्टम में बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, और आपने जिसको सेल किया है वह पर्सन कस्टम ड्यूटी जीएसटी सब कुछ पेमेंट करेगा, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री अब उसके नाम फाइल होगी। इसलिए आपको इस सेल पर जीएसटी चार्ज नहीं करना है। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस सेल को दिखाओगे और इनवाइस जो बनाओगे आप, बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे, और उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। लेकिन इस सेल को आपको अपने जीएसटी R1 में दिखाना है तो आप कहां दिखाओगे? तो दोस्तों, आप जीएसटी R1 का टेबल 8 वाला कॉलम ओपन करोगे, तो 8 वाले कॉलम में आपको क्या दिख रहा है? नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई। तो जो आपका हाई सेल होगा वह जाएगा नॉन जीएसटी सप्लाई में। कहां जाएगा? नॉन जीएसटी सप्लाई में। ओके। और यहां पर इंटर स्टेट सप्लाई, यहां पर देखो दिया हुआ है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो आपने जिस पर्सन को हाई सेल सेल किया है वह भले ही आपका स्टेट और उस पर्सन का स्टेट सेम हो, लेकिन हाई सेल सेल हमेशा आपका जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई में। ओके, इंटर स्टेट सप्लाई में जाएगा, और वह कौन सी कैटेगरी में? नॉन जीएसटी सप्लाई। ओके, हाई सी सेल आपका नॉन जीएसटी सप्लाई में आप दिखाओगे अपने जीएसटी R1 में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से या छोटा सा जो कंफ्यूजन होगा या क्लियर हो गया कि हाई सी सेल को आप जीएसटी R1 में कहां दिखाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।